ये मेरा फ्यूचर है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आदि तोमर ब्लॉग। तो वैसे तो आप लोग सभी थंबनेल देख के समझ गए कि ब्लॉग किस बारे में होने वाला। आज हम जा रहे हैं अपने गाजियाबाद वाले घर पे, जो आपकी अपना घर है। यहाँ जो हम रहते हैं, हम रेंट पे हैं, वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है थोड़ा। तो आज वहाँ पे हम ब्लॉग बनाएंगे पूरा, कि काफी सारा काम था। कल भी गया था मैं, पर कल भैया था नहीं साथ में, तो ब्लॉग रिकॉर्ड कर नहीं पाए हम। तो आज हम पूरा ब्लॉग रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे कैलाश नगर के अंदर हमारा घर कहाँ पे है और कैसा है। तो गाइस अभी ना फिलहाल हम निकल तो चुके हैं, पर देखो यहाँ देखो धूप। सितंबर के महीने में पूरा आधा सितंबर निकल गया, उसके बावजूद भी इतनी धूप है ना। पता ना कौन से देवता हैं जो बर्फ डालते हैं, ठंड डालते हैं, उनके पास तक पहुंचा दो। इंद्रदेव गुस्सा है, बहुत ही बुरी गर्मी। और अभी तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं आ चुका हूँ गाजियाबाद में। तुषार और मैं आए हैं सीधे यहाँ रिक्शा ढूंढने। रिक्शा देने को कोई राजी नहीं हो रहा। अभी घर पर मलबा है ना, कुछ टूट फूट जो है वो फेंकना है। पैसे में देने को राजी नहीं हो रहा रिक्शा। हम घूम रहे हैं अपने जीटीए वाले इलाके में, जो है कैलाश नगर के होंगे ना उनको तो सब पता हो गई बसी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करवाता कैलाश नगर वालों को भी। दिक्कत ये हो रही है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपने CSHP स्कूल की तरफ। वहाँ पे बोला कि वहाँ पे किराए पे दे देते हैं रिक्शा, वहाँ जाके देखते हैं मिल जाता नहीं तो फिर। तो गाइस अब फाइनली ना हमारा रिक्शे की भी टेंशन खत्म होगी और ना अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले हमारा ये था कि हमें ढोना पड़ता मलबा, अब लेकिन रिक्शे वाले खुद आएंगे, खुद भरेंगे और खुद ही डाल देंगे। अब सीधा चलते घर पे। अभी शिव मंदिर पर ना ला सका शेर मेरे बाहुबली। मेरा एक यूट्यूबर फैन मेरा सब्सक्राइबर भाई ऐसे, ये मेरा फ्यूचर है। क्या कर लिखूं कुछ भी समझ जी सही नहीं आया। अबे पैन ही नहीं चल रहा तेरी स्किन पे तो तेल ये तो चाहे तेरी। हाथ पे लिखता हूँ और अभी गली में जितने ही मिले हैं सब पे सब्सक्राइब करवाना ADI। सुबह से काम इसने कुछ नहीं करा है, झुंझुरा इतना रहा काम का। क्या कर दिया भाई? रिक्शे में गया, रिक्शे में आया, दस रुपए तेरे खो गए, मेरी गलती है। तो गाइस अभी ना फिलहाल ये जो सामान है मलबा, इसके लिए हम रिक्शा ढूंढने गए थे और अभी गेट लगा रहे हैं अंकल। और ये है गाइस वो कमरा जहाँ से मैंने अपने टिकटॉक की जर्नी स्टार्ट करी थी। किसके साथ में? हमारे देखा था ना कहीं बैठते हुए, मैं पूरा दिन यही निकाला हमने। मैं निकला, देखो अगर मैं होता तो मैं बता दूं सच्चाई में। ऑफिस आई तू मैं तरीके करा के सामान लेने गए, सामान उतरवाया डलवाया तू और कुछ काम थोड़ी कर रहा है यार, काट ही दूंगा तू बोलता रहा। तो यार कुछ बोलना चाहोगे हमारे इस कमरे की पुरानी यादें नंग। और यही ना गाइस हमने मतलब टिकटॉक बनाते थे मैं और तुषार मिलके। मैं और तुषार यहाँ आंगन में बनाते थे, ऊपर से कूद कूद के टिकटॉक की वीडियो। यहाँ ना गाइस हमने इस घर में 6 साल बिताए हैं। मेरी BTech 11th 12th सब यहीं से हो गई है और इसकी जिंदगी। हाँ गर्लफ्रेंड भी मेरी इसी घर में बनी गाइस और यहीं छूट गई। तो वैसे ये ना अभी हमारा गेट है घर का मेन, जो कि गल गया था बारिश के चक्कर में और दीवार के वजह से। तो अभी इसको ठीक करा के अभी हमें इसे भी लेके जाना है। सबसे भारी काम तो यही है हमारा। एक बार पीछे देख के आवाज लगा कबाड़े चूहे, आवाज तो लगा कबाड़े चूहे। रात में रिक्शा चला रहे क्या किसी कंपनी के लिए? है भाई रात में रिक्शा चला रहे क्या तू? बेटा चल चूहे साइड में काट के ले, सीधे हाथ पे ले ले। चलो चलो भाई चूहा बहुत हैवी ड्राइवर है भाई साहब, ऐसा शार्प कट क्या कर रहा तुम्हें रहना? बस यही रहेगा ये बस। बोल तो सही। तो गाइस अभी ना फिलहाल वापिस आ चुके हैं हम घर पे। जितना भी काम था आपने देखा होगा, बहुत सारा काम है। अभी वापिस हमें दोबारा कल भी जाना है। फिलहाल अभी हम खाते हैं मोमोज। ऐसी अच्छी सासू माँ होगी किसी, तो खुद याद दिला रही है सासू माँ की मेरी बहू के लिए मोमोज ले ले। हाँ मम्मी तब भी ना करती, जबकि परहेज बता रहा हूँ डॉक्टर ने मना करा हुआ मोमोज वगैरह के, उसके बावजूद ही बहू कह ले मोमोज ले ले। हम तो आ गए थे घर पे, फिर बोलती है अरे मोमोज ले ले, मोमोज वाला खड़ा है उसने मंगाई है।
हमारे भैया को हम ब्लॉग में ले नहीं सकते, वो वापस से मोगली बन चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। ये देखो जिस टाइम हम स्कूल में थे ना 12th क्लास में, हम 1 के 2 खाते थे, आज हमें ये रस्ते में मिला है, इसका नाम बताओ हम। और ये देखो अब 10 रुपए का हो गया, पहले 1 के सबसे पहले 1 के 4 आते थे, फिर 1 को 2 तक हमने खाए, और आज हमें 1 ठेली पे मिले 10 का पैकेट। इंजीनियर बन गए इसलिए हम 10 रुपए का खरीद सकते हैं। अब हम इंजीनियर बन गए, नहीं गरीब इंजीनियर है हम, अमीर इंजीनियर नहीं है। वही देखो मोमोज, और इनका साइज देखो, फिर भी मोमोज खाने हैं, ये नहीं है काम करते हैं। एक साल से देख ही रहे होंगे ऑब्वियसली। देख लो तब भी बेइज्जती, मुझे बेइज्जती फील नहीं होती ना बात करना तो करना। चलो छोड़ो अब हमारे भैया ज्ञान बांटेंगे, छोड़ो यार अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं खाने पे। अभी ना फिलहाल प्लास्टर का काम हो चुका है कंप्लीट, अब हमारा हो रहा है तैयारी किसकी गेट लगने की। अपना नाम बताओ। जनवरी, जनवरी, अप्रैल, तो बना लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा चमटी आएंगी, चमटी मारो। पीछे को मारो। चलो फिर से पीछे जाओ, पीछे तो मेरे को जो वक्त मार दो नहीं तो। हाँ चलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। किसी को आता है पूरा नहीं अभी ना फिलहाल देखो गेट थमने लगा दिया है, अभी मतलब सेट करा कि कोई टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं है, अब बस इसको जल्दी से मसाले से भर के फिर चलते हैं घर को, क्योंकि बहुत लेट हो गए, अभी भैया को जिम भी जाना है। पीलो 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 लो बंद कर लो। तो गाइस अभी ना फिलहाल हम वापस आ चुके हैं अपने गाजियाबाद वाले घर से, अपने आदित्य वाले घर में, तो आई होप आप सभी को भी काफ़ी मजा आया हो, क्योंकि मुझे तो काफ़ी मजे आए, काफ़ी सालों बाद, पूरे 1.5 साल बाद मैं अपने दोस्तों से मिला, गली के दोस्तों से मिला, और जो मेरे स्कूल फ्रेंड है उनसे भी मिला। तो आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग। मम्मी बाय बाय।